बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर उस शख्स के लिए जो ISSP देना चाहता है और आर्मी में ऑफिसर बनना चाहता है। और मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ चीज़ें बताऊंगा। अगर वो चीज़ें आप अगर अपने अंदर बिल्ड कर लो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप ऑफिसर बनोगे, आप रिकमेंड हो जाओगे। तो पहले मैं ये बताता चलूँ आपको कि ISSB वो चीज़ है जो इंसान की क्वालिटी को देखता है कि इंसान के अंदर क्या चीज़ है, इंसान क्या है। असल इस चीज़ का नाम ISSB है कि इंसान के अंदर कौन सी क्वालिटी है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि वो मेन जो टारगेट होता है उधर SAC हो, GTO हो, उसके बाद TPT हो, जोन भी हो, वो देखता है कि जो क्वालिटी है, जो मेरे सामने लड़का बैठा है वो के कौन से पानी में है, उसके अंदर क्वालिटी कितना है। अगर तुम्हारे अंदर हाई क्वालिटी होगी, अगर तुम ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगे तो वो तुम्हें सिलेक्ट नहीं करेंगे। और अगर तुम मॉडरेट होगे तो तब तुम्हारे चांस ज़्यादा हैं कि तुम सिलेक्ट हो जाओ। मेन वजह यह होती है कि अगर वो ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़के को रखें तो वो लड़का, वो शख्स उनके अंडर में नहीं रहता, वो अपने कानून लागू करेगा, वो अपनी ट्रिक्स अपनाएगा। इसलिए वो मोल्ड बंदे को रखते हैं, मीडियाकर बंदे को रखते हैं जो मोल्ड हो, जो उनकी पॉलिसीज़ को गेन करे। तो वो ज़्यादा फोकस इस चीज़ को देखते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप नॉट रिकमेंड हुए इसलिए कि आपके अंदर क्वालिटी नहीं थी, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। आप इसलिए भी हो सकते हो कि आप मोर इंटेलिजेंट थे, आपका दिमाग, आपका जहन मजबूत था, पुख्ता था कि वो आपको तब्दील नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो आपको नॉट रिकमेंड भी करते हैं। पहली चीज़ रिकमेंड होने के लिए आपके अंदर भाई कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस किस तरह बिल्ड होगा? बाद भाई कहते हैं कि भाई कॉन्फिडेंस किस तरह होगा, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। भाई देखो, कॉन्फिडेंस किस चीज़ का नाम है? कोई पैदा होता है तो कॉन्फिडेंस लेके नहीं आता। कॉन्फिडेंस ये है कि तुम दूसरों के साथ कम्युनिकेशन किस तरह करते हो, तुम जब दूसरों के साथ बोलते हो तो तुम्हारा लहजा किस तरह होता है, तुम किस हद तक मजबूत होते हो, तुम्हारी बात में मजबूती कितना होती है। और ये ज़्यादातर तब आता है कि जब हम महफलों में बैठते हैं तो दूसरों से बातचीत करते हैं, तो इससे कॉन्फिडेंस आता है। आप कोशिश करें कि सोशल बने, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल बने, तो ये चीज़ हो जाएगी। और इसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है पॉजिटिविटी, कि तुम कितना पॉजिटिव सोचते हो। कि तुम अगर वो सिचुएशन इसलिए देते हैं, सिचुएशन वगैरह जो देते हैं, वो इंसान को ये चेक करते हैं कि ये कितना पॉजिटिव है, इसका माइंड किस हद तक जंग के खिलाफ है, किस हद तक अमन चाहता है। इन इस सूरत हाल में वो आपको जज करते हैं। इन पॉजिटिविटी, आप हर चीज़ को एक टेबल टॉक की तरफ लेके आना चाहो, कोशिश करो कि हर मसले को टेबल टॉक की तरफ लेकर आओ। तीसरी बात, वो आपको जज करते हैं जो मेन है कि इसके अंदर कमांडिंग एबिलिटी है, इसके अंदर लीडरशिप है, क्या हम इसे सिलेक्ट करें, वाकई ये अपनी कोर को, वाकई ये सोल्जर को कंट्रोल कर पाएगा, इसके अंदर डिसीजन पावर है कि नहीं है, इसके अंदर लीडरशिप है कि नहीं है, ये मेन चीज़ होती है। कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो सकता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है, पॉजिटिविटी भी नेचर में आ जाती है, लेकिन जो लीडरशिप है, जो डिसीजन पावर होती है, वो हालात इंसान को बनाते हैं। और ये किस तरह आते हैं कि प्रैक्टिस करने से आता है। प्रैक्टिस करो, अपने आप को एक
छोटा सा काम है, तो अब खुद करो, खुद डिसीजन लो, छोटे 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 डिसीजन लो। अगर उसमें नुकसान भी होगा तो कम से कम नुकसान होने के साथ साथ आपके अंदर एक एबिलिटी होगी कि मैं ये काम कर लूँगा। तो अगली नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, मैं अपना एक्सपीरियंस शो करूंगा उसके बारे में। तो ज़रूर मैं मलेरकोट में गया था, तो मैं आपको अब ज़रूर एक्सपीरियंस शो करूंगा। तो मेरे यूट्यूब का सामने विज़िट करना, तो आपको बहुत मुफीद फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।